आजमगढ़। खाड़ी देश में रहकर पति ने की 8वीं शादी, पत्नी ने दर्ज कराया मुकदमा, पति अब दे रहा धमकी। आजमगढ़ जिले के रहने वाले एक व्यक्ति ने खाड़ी देश में रहकर ऑनलाइन 8वीं शादी कर लिया। यही नहीं, शादी के बाद घर आया और पत्नी का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने लगा और 8वीं पत्नी को भी तलाक देने के फिराक में है। पत्नी ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। अब आरोपी खाड़ी देश में फरार हो गया। आपको बता दें कि अब पीड़ित पत्नी ने आजमगढ़ एसपी से गुहार लगाई है। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने सोमवार को एसपी कार्यालय पर पहुंचकर प्रार्थना पत्र सौंपा। पीड़िता का आरोप है कि उसका पति 7 शादी पहले ही कर चुका था। 8वीं शादी उसने ब्रुनेई से 2018 में ऑनलाइन की। अब वह 9वीं शादी करने के लिए उसका अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर रहा है। कहां की रहने वाली है? क्या मामला आज एसपी साहब के यहां आई? गंभीरपुर थाने के घर के रहने वाले हैं और हम आए थे एसपी साहब के यहां एप्लीकेशन देने। क्या है मामला पूरा बताइए। मामला ये है कि हमारा मुकदमा, मतलब अब केस हुआ है हमारा और हम मुकदमा लिखवा रहे थे थाने पे। किस चीज का केस हुआ? यही मतलब हमारे सवर शादी किया और हमें भी छोड़ना चाहते हैं। हमारी मतलब वीडियो बना के इधर उधर वायरल कर रहे हैं। तो हम लोग मुकदमा लिखवाने वाले थे तो लोग पैसा थाने पे दे के और मतलब हमारा काम बंद करवा दिए हैं। तो वही फिर दोबारा आए हैं एप्लीकेशन देने कप्तान साहब के घर। आपके शौहर का क्या नाम है और आपकी कौथी शादी है? हमारे शौहर का नाम है जफर खान। कहाँ के रहने वाले? मोहम्मदपुर। उनके पिता का क्या नाम है? रईस खान। कौथी शादी है आपकी? हमारी 8वीं शादी है, उनकी 8वीं बीवी है। किस तरह से शादी उन्होंने की? कब शादी हुई थी, किस तरह से हुई थी? हमारी शादी 2018 और 16 फरवरी को हुई है, वो भी ऑनलाइन किए हैं। जल्दी जल्दी करके मतलब ऑनलाइन करवा के शादी मतलब मिल गया नज़दीक का रिश्ता तो ऐसे कर लिए हैं। अभी मतलब अभी इस तरह से शादी करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, क्योंकि अब यहाँ से ऐसी शादी कर नहीं सकते। उसमें वो कहाँ थे? उस समय वो कहाँ थे? वो बाहर थे, हमारी वीडियो कॉल पे शादी हुई है। कहाँ बाहर थे? किस गांव? बरनाई। अच्छा, वहीं से शादी की? हाँ, वहीं से शादी की। फिर आपको उस समय नहीं पता था कि आप उनकी 8वीं बीवी हैं? नहीं, हमें नहीं पता था, हमें 2 महीने बाद पता चला। फिर भी हम सब भूल के बोले चलो जाने दो, मतलब अच्छे से ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन वो आए और एक बार मतलब हो के गए, फिर उसके बाद से हम भी मतलब बुरे हो गए। ऐसे ही हर लड़की के साथ कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो क्या फिर वो आपको छोड़ने? हाँ, हमें छोड़ने का पूरा प्रोग्राम वो बनाए हैं और सब इधर उधर हमारी वीडियो देखा रहे हैं। हमें मतलब गंदा बता रहे हैं कि हम गंदे हैं, मतलब कि रंडी खाना हमें बना के रख दिए हैं। क्या ऐसे मतलब सारे लोगों के साथ करते हैं ये? हाँ, यूज करके उसके बाद जो फिर दूसरी शादी करना? हाँ, ऐसा ही करते हैं। अभी सब जितनी भी छोड़े ना, सबके साथ वही आरोप है। किसी कोई नाजायज लड़का लेके आया, कोई चचा से फंसा है, कोई बाप से फंसा है, सब आरोप लगा के ऐसे ही छोड़ते हैं, गंदा आरोप लगाते हैं। आपका भी कोई बच्चा है? मेरी बच्ची है, 4.5 साल की है। अभी एक बीवी से है, उसकी मतलब एक बड़ी 17-18 साल की हो गई, एक 15 साल की है। मतलब इसका यही काम ही है? यही काम ही है इनका है। आपका मुकदमा दर्ज हुआ है? हाँ, मुकदमा दर्ज हो गया है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मतलब वो अभी कहीं और कोई लड़की उनके फंदे में ना फंसे, क्योंकि हम इसीलिए उनके मतलब निकाह नहीं तोड़े, भागे नहीं अपनी जिंदगी बचा के। हमें 2 महीने के बाद मालूम पड़ा, लेकिन हम बोले अभी हम हट जाएंगे, फिर और कहीं बजा लेंगे, शादी कर लेंगे, इसीलिए हम रह गए कि हम ही रह जाएं, हमारी बर्बाद हो जाए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मतलब कोई लड़की और कोई भी मतलब इसके फंदे में ना फंसे। तो क्या वो अगली शादी भी खोज रहे हैं? हाँ, वो ढूंढ रहे हैं। अभी हमारा इधर मुकदमा चल रहा है, केस कचहरी सब चल रहा है, अभी उनकी शादी में ढूंढ रहे हैं। मिल जाएगी तो कर लेंगे, अब वहाँ बुरनाई लेके जाएंगे। अच्छा, ठीक। तो इसकी जानकारी आपको कैसे हुई कि उनकी 8 शादियां हो चुकी हैं? हमें फोन आया ना, मेरे मतलब थोड़ा बहुत आजू बाजू में थे, सब बताए हैं। हाँ, और इनके घर में भी हमें मालूम पड़ा, हमारी जेठानी है ना, वो सब बताई हमें। इसमें आपके पति कहाँ? हमारे पति तो चले गए बुरनाई। कब गए? अभी 1 हफ्ता पहले। कैसे मतलब बुरनाई चले गए? पुलिस की मिली भगत से? हाँ, पुलिस मिली है ना, हम इतने दिन से रोज जाके 10 बजे से 3-4 बजे तक थाने पे बैठते थे कि सर हमारा मुकदमा लिख दीजिए, वो भाग जाएंगे। वो लोग बोले कैसे भाग जाएंगे, कैसे भाग जाएंगे, भाग गया वो। एक पुलिस एक इंसान को नहीं पकड़ पाई। उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ? उसके बाद जब उस दिन वो पहुंच गया, निकल गया, उसके बाद बोला कि हमारा मुकदमा लिखे। उसके बाद भी सब कुछ बंद ही, अभी कुछ हो ही नहीं रहा है, इसलिए मैं आया कप्तान साहब की इधर एप्लीकेशन देने। कप्तान साहब से मिले हैं? हाँ, मिले हैं। बात हुई है कप्तान साहब ने? हाँ, क्या कहा? वही मतलब पूछे हैं, सब बताए हैं, तो वही पेन ड्राइव जो वीडियो है सब पेन ड्राइव करके मांग रहे थे। तो बोले थाने पे जाए, मैं उन लोग कुछ अपने इधर ही लेके रखे हैं। तो हैं, कप्तान साहब को भी दिए हैं?
नहीं अभी इधर नहीं आई है, अभी सब थाने पे ही है। गंभीरपुर थाना क्षेत्र की एक महिला ने आज आपको शिकायती पत्र सौंपा है और आरोप लगाया कि उसके पति ने उसका अश्लील वीडियो बना के वायरल किया और उसको छोड़कर अब दूसरी शादी करने जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला और आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? 17 अप्रैल को थाना गंभीरपुर पर प्रावादनी द्वारा यह शिकायत दर्ज कराएगी कि दहेज के लिए उसका उत्पीड़न किया जाता है और उसके साथ मारपीट की जाती है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 131/24 धारा अंतर्गत 498A, 323, 504, 506 IPC व 3/4 दहेज DP एक्ट का कायम किया गया। इसमें 12 लोग नामजद किए गए हैं। शीघ्र ही साक्ष्यों के आधार पर इसमें जो FIR दर्ज कराई इसमें कार्रवाई की जाएगी। अगर वादनी कोई अन्य साक्ष्य अगर देना चाहती है तो उसको विवेचना में सम्मिलित किया जाएगा और उसकी भी जांच करी जाएगी और विवेचना कर चार्जशीट न्यायालय प्रेषित करी जाएगी।